जी से भजन मेरा मेका नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए रे उस शब्द को जी।
आज आदमियों से ज्यादा लेडीजा की संख्या ज्यादा दिख रही है, आदमियों से ज्यादा लेडीजा की संख्या दिख रही है, और फिर भी बाबा के दरबार में इतना सुंदर भजन हो रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट ना हो तो भजन का कोई आनंद नहीं आता। और देखिए एक बात और बता देना चाहूंगी, ऐसे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, ऐसे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, और बाबा के दरबार में जितनी भी तालियां हो जाए वो भी कम होती हैं। बाबा को मनाने के लिए, रिझाने के लिए अगर तालियां हो जाए, कितनी भी बजा लो, पूरी रात बजा लो, वो भी बाबा के लिए कम होती है। तो आइए बाबा के दरबार में मेरे साथ मीठी मीठी तालियां, 1 2 3
सज्जनों, आखिरी बात में कवि ने बताया कि चाहे इंसान के पास कितना भी धन हो जाए, कितनी भी दौलत हो जाए, लेकिन इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कि चाहे कितनी भी धन दौलत हो जाए, पर इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। आखिरी बात में क्या बताया कवि ने? चाहे कितनी अमीरी आ जाए, पर घमंड दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, पर घमंड दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी